नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जो बनाने में बेहद आसान है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, यानी जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है वो भी इसे आसानी से बना सकता है। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हुए हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। तो 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा बुनते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहले 2 फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब देखिए, ये 2 फंदा हमने उल्टा बुना है, तो पहली लाइन में इसमें इसे हमने उल्टा बुना था, तो इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। अब देखिए, ये 2 फंदे सीधे हैं तो इन्हें हमें स्लिप कर लेना है, और ये 2 फंदे हमने उल्टा बुने थे तो इन्हें हमें सीधा बुन लेना है। 2 फंदे को, सीधे बुने हुए फंदे को स्लिप करना है और उल्टे वाले फंदे को हमें सीधा बुनना है। अब रॉन्ग साइड से जिस फंदे को हमने उल्टा बुना है उन्हें वापस उल्टा बुन लेंगे, और जिन फंदे को हमने स्लिप किया है उन्हें वापस स्लिप कर लेंगे। तो 2 फंदा हमने उल्टा बुना, 2 फंदा स्लिप किया, अब फिर 2 फंदा उल्टा हो जाएगा, 2 फंदा स्लिप, 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा स्लिप। तो इस तरह हमारा ये चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब पांचवे लाइन में हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब ये 2 फंदे जो हमने सीधे बुने थे उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। पहली लाइन में जिन्हें हमने सीधा बुना था, अब की उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, और जिन्हें हमने ये उल्टा बुना था इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा, इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा हो गया, अगला 2 फंदा सीधा हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 फंदा हमने सीधा बुना था तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, यानी पहले लाइन का ये अपोजिट हो जाएगा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, यानी छठी लाइन में सभी फंदे उल्टे। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो देखिए, ये 2 फंदे उल्टे बुने गए थे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, और देखिए, ये 2 फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उल्टे बुने फंदों को हमें सीधा बुनना है, और ये सीधे वाले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। तो 2 फंदा सीधा और 2 फंदा, ये फंदा स्लिप हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे ही पलट ले रहे हैं। अब रॉन्ग साइड से ये फंदा स्लिप हो गया, अब ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे, और ये 2 फंदे देखिए स्लिप किए हुए फंदे हैं, उन यहाँ ऊपर से गया है, ये स्लिप किए हुए फंदे हैं, इन्हें वापस स्लिप करेंगे, और ये 2 फंदे जो उल्टे बुने गए हैं इन्हें वापस उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदा स्लिप,
दो फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक खूबसूरत सा उभार इसमें आ जाएगा। देखिए इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो आशा है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।